देश को गुमराह करने का प्रयास है और इन सब ने जो मेजोरिटी माइनॉरिटी के बीच खाई खोदने का काम किया है उसी को अपना लक्ष्य बनाकर अपना राजनीतिक जीवन जिया है, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इस देश की मान्यताएं कुछ अलग हैं। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, इस कम्युनिटी के लोगों ने विभाजन नहीं मांगा था। विभाजन मांगा था उन लोगों ने जो आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं। उनके अनुसार विभाजन हुआ और वहां पर जो माइनॉरिटीज रह गई, जो भारत के अंदर मेजोरिटी है, उन लोगों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए उनको वहां से निकलकर यहां आना पड़ा। वो भारत के बाशिंदे थे, एक जॉइंट भारत के बाशिंदे थे, आज भी वो भारत के बाशिंदे हैं। अगर वो देश जो धर्म के नाम पर बने इतने ही बेहतर देश थे तो ये सब लोग वहां क्यों नहीं माइग्रेट कर गए? नहीं किए ना। 47 में जो लोग माइग्रेट किए उनकी क्या स्थिति है? वो लोग जाने, वो लोग संभाले, अपने नए देश को संभाले, हम उनको भी बेस्ट विशेष कहते हैं। लेकिन जिस कौम की वो रक्षा नहीं कर पाए, हिफाजत नहीं कर पाए, उसके पास जीने का अधिकार है या नहीं? या वो मर जाए या धर्मांतरित कर ले, क्या करें वो लोग? ये CAA उनके लिए बना है, जो पहले अखंड भारत था, लेकिन भारत कई देशों में विभाजित हुआ, वो इन लोगों की जिम्मेवारी नहीं थी, इन्होंने नहीं मांगा था। और ये बात पूरे देश को एक होकर सुननी होगी, समझनी होगी। और मैं माइनॉरिटी के ऐसे सभी भाई बहनों को जानती हूँ जो कानून को भी जानते हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और वो इस तरीके की जो बातें, अव्यवहारिक बातें फैलाने का, झूठ फैलाने का काम करें, उनके विरोध में भी खड़े हैं।